हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, पिछले साल भारतीय रेलवे ने कई नई रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को स्टार्ट किया और उसके साथ में ही दो रूट्स पर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी लॉन्च किया। तो इस साल यानी 2024 में भारतीय रेलवे कौन सी नई ट्रेनें लॉन्च करने वाला है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, दिन प्रतिदिन भारतीय रेलवे पैसेंजर्स को कंफर्ट में ध्यान रखते हुए नई नई ट्रेनें लॉन्च कर रहा है और वो चाहता है कि यात्रियों को यात्रा के दौरान अच्छी सुविधाएं मिलें। जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से इसमें यात्रियों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिलती है। हालांकि ये ट्रेन सिटिंग है, इसमें आप बैठ के ही यात्रा कर सकते हैं, बट रिपोर्ट्स की माने तो 2024 में भारतीय रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लेके आ रहा है। ये स्लीपर ट्रेन है, यात्री इसमें सोकर यात्रा कर सकते हैं और इस ट्रेन में यात्रियों को बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिलने वाली है। ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन फुल्ली एसी ट्रेन होगी, इसके सारे कुछ एसी होंगे और इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड लगभग 160 किलोमीटर पर आवर तक होगी और इस ट्रेन में राजधानी एक्सप्रेस से भी अच्छी सुविधाएं मिलेगी। ये ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा तय करेगी, जैसे कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल रहता है उसके लिए ये वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। जैसे कि ओवरनाइट जर्नी रहता है उस रूट पे ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी, तो यात्री कम समय में अपने गंतव्य स्थान पर जा सकेंगे दूसरे ट्रेनों के मुकाबले। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स में यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेगी, इसमें आपको जर्क महसूस नहीं होगा। जैसे कि ट्रेन कभी कभी झटके मारती है तो इसमें आपको महसूस नहीं होगा। ये ट्रेन दूसरे ट्रेनों के मुकाबले फास्ट चलेगी और इस ट्रेन में यात्रा बहुत ही कम्फर्टेबल होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस ट्रेन में थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी के कोचेस होंगे। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स का मैन्युफैक्चरिंग BEML एंड ICF चेन्नई द्वारा किया जा रहा है। उम्मीद है इस साल ये ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी। इस ट्रेन का हमें बेसब्री से इंतज़ार है, क्या आपको भी इंतज़ार है? आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, नेक्स्ट ट्रेन जो है 2024 में लॉन्च हो सकती है वो वंदे मेट्रो है। ये वंदे मेट्रो ICF चेन्नई द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। ये प्रीमियम ट्रेन है और ये शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रेवल कवर करेगी अप टू 300 किलोमीटर तक का। ये ट्रेन सिटी के अंदर ही चलेगी, जो लोकल ट्रेन है उसको रिप्लेस कर सकती है वंदे मेट्रो ट्रेन। वंदे मेट्रो ट्रेन के सारे कोचेस एयर कंडीशनड होंगे और इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर तक की हो सकती है। इस ट्रेन में 100 पैसेंजर्स के बैठने के लिए सीट होगी और लगभग 200 पैसेंजर खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं। न्यू वंदे मेट्रो ट्रेन्स में CCTV कैमराज इंस्टॉल रहेंगे, PI सिस्टम्स विथ LCD डिस्प्ले रहेंगे, देन फिर हर कोच में रूट इंडिकेटर डिस्प्ले रहेगा जिस पे डिस्प्ले करते रहेगा कौन सा स्टेशन आया है, कौन सा स्टेशन आने वाला है। एमरजेंसी टॉकबैक यूनिट रहेगा, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट रहेगा और इस ट्रेन में कवच एंटी कोलिजन सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाएगा। तो वंदे मेट्रो ट्रेन्स लॉन्च होने के बाद लोकल में ट्रैवल करने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पैसेंजर कंफर्टेबली यात्रा कर सकेंगे इस ट्रेन में। जैसा कि हमने देखा, साल 2023 में कई रूटों पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स को लॉन्च किया गया है। इस साल यानी 2024 में भी भारतीय रेलवे नई रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स को लॉन्च करने वाला है, जिससे कि यात्री कम समय में अच्छी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाए। वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इस ट्रेन में यात्रियों को अब बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है यात्रा के दौरान। ये सिटिंग ट्रेन है, इसमें यात्री बैठ के यात्रा कर सकते हैं और यात्रा के दौरान पैसेंजर्स को फूड प्रोवाइड किया जाता है केटरिंग स्टाफ द्वारा और यात्री स्वादिष्ट खाना खाते खाते अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। बात करें डिज़ाइन की तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का डिज़ाइन बहुत अच्छे से किया गया है। इसके सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं। इसके सीट्स के ऊपर जो रीडिंग लाइट्स से लगी रहती हैं उसको ऑन करके वो अपना बुक्स और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। एसी अपने हिसाब से उसका टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके टॉयलेट्स बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस के सारे कोचेस फुल्ली एयर कंडीशनड है और इसके डोर्स हैं जो ऑटोमेटिक है। स्टेशन आने पर डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं और गाड़ी निकलने के टाइम पर वो ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। तो इस साल और नई रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स लॉन्च होने वाली है। कौन कौन से नई रूट्स पर लॉन्च होगी उसके बारे में हम आपको अपने वीडियोस में बता देंगे। दोस्तों, पिछले साल भारतीय रेलवे ने आम आदमी के लिए दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स लॉन्च की। एक ट्रेन दरभंगा और दिल्ली के बीच में चलती है और दूसरी बेंगलुरु और मालदा टाउन के बीच में। और इस साल उम्मीद जताई जा रही है कि और भी नए रूट्स पे अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स चलेगी, जिससे कि आम जनता को राहत होगी और वो
कम किराए में कंफर्म सीट के साथ अपनी यात्रा कर सकेंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस में जनरल क्लास और स्लीपर क्लास के कोचेज होते हैं। फिलहाल में इसमें एसी नहीं है, ये नॉन एसी कोचेज है इस ट्रेन में। इस ट्रेन में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। इसके जो सीट्स हैं बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं। इसमें सील गैंगवेज है, जर्क फ्री राइड इसमें कर सकते हैं। यात्रा के दौरान झटका आपको कम महसूस होगा। इसके टॉयलेट्स बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं दूसरे ट्रेनों के मुकाबले, इसीलिए इस ट्रेन को आम जनता की ट्रेन भी बोला जाता है। जो यात्री वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल नहीं कर सकता उसके लिए ये ट्रेन लॉन्च की गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल अमृत भारत एक्सप्रेस एसी कोचेज के साथ भी लॉन्च हो सकती है, जिससे कि यात्री अच्छी सुविधाओं का आनंद उठाते हुए अपने गंतव्य स्थान पर जा सके। वैसे भी दोस्तों देखा जाए तो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन्स में जनरल क्लास और स्लीपर क्लास के कोचेस कम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन कोचेस में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उन लोगों के लिए ही अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स लॉन्च की गई है और इस साल नए रूट्स पर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स लॉन्च होने के बाद यात्रियों को बहुत आराम होगा। उनको कन्फर्म टिकट मिल सकेगा और वो आराम से अपनी यात्रा रेल से कर सकेंगे। तो दोस्तों ये सारी ट्रेनें साल 2024 में लॉन्च हो सकती है। आपको कौन सी ट्रेन का इंतज़ार है आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं हम आप लोगों से अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।